सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रैफिक लाइट बनाना सीखेंगे कि भाई ट्रैफिक लाइट किस तरीके से बनती है और ये किस तरीके से काम करती है। ये आप चाहे आप ITI में हो या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप डिग्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने माइनर या फिर मेजर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, या फिर आप वैसे ही सिंपल प्रैक्टिस के लिए भी सर्किट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए मैं Arduino का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसमें मैं इसका प्रोग्राम डाल करके और इसको सर्किट को सबसे पहले हम इसको ब्रेडबोर्ड में बनाएंगे, उसके बाद हम इसको PCB में बनाएंगे। PCB में बनाने के लिए मैंने JLCPCB.com से PCBs ऑर्डर कर रखी है। यहाँ से मैंने कुछ एक PCB जो है डिज़ाइन करके यहाँ से PCB मंगवा रखी है। तो इन PCB में मैं इस सर्किट को बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेडबोर्ड में आपको बना करके इसको दिखाऊँगा। इस सर्किट को बनाने के लिए यहाँ पे हमको देखिए सबसे पहले Arduino चाहिए, Arduino जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि Arduino के अंदर हम प्रोग्राम इसमें अपने लैपटॉप की मदद से प्रोग्राम डाल सकते हैं। इसका Arduino का एक सॉफ्टवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर से हम इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं। यहाँ पे ये आपको पोर्ट दिख रहा होगा, जो कि पोर्ट हम इससे इसकी केबल जो रहती है उसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करके हम इसमें प्रोग्राम जो है वो डाल सकते हैं। बाकी इसमें कुछ कनेक्टर्स रहते हैं जहाँ से हम अपने कनेक्शन करेंगे और हमको 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो है आउटपुट वोल्टेज अगर हमको चाहिए स्विचिंग के लिए तो वो हम ले सकते हैं। ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड पे हम कनेक्शन करेंगे। अगर आपको ब्रेडबोर्ड यूज़ करना नहीं आता तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ब्रेडबोर्ड के यूज के लिए बनाऊंगा। ये 3 LEDs हैं हमारे पास जो कि ट्रैफिक लाइट में यूज होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। कुछ रेजिस्टेंस हैं 220 ओम के और जंपर वायर्स हैं जिनको कि हम इस ब्रेडबोर्ड में यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारी केबल है जो कि हमको Arduino से सिस्टम में कनेक्ट होएगी है। यहाँ पे हम इसको Arduino में कनेक्ट करेंगे और इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको हम लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड में हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। ब्रेडबोर्ड में सेम रहता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल्स रहते हैं। और इसका जो प्रोग्राम रहेगा हमारा, प्रोग्राम भी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। लाइव हम इसके सॉफ्टवेयर में जाएंगे और सॉफ्टवेयर में हम इसके प्रोग्राम को आपको अपलोड करके दिखाएंगे। तो प्रोग्राम अपलोड करने के लिए सिंपल हमको क्या चाहिए, हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है, डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इसका जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरीके से करना है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो प्रोग्राम बनाना मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, या फिर अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है इसकी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसका एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे हम इसमें प्रोग्राम डालेंगे। सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसका सिंपल प्रोग्राम जो है वो डालेंगे। और इसका, इस सर्किट का अगर आपको प्रोग्राम चाहिए तो प्रोग्राम मैं आपको नीचे लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हैं और सर्किट भी आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रेडबोर्ड में सबसे पहले अगर हमको कनेक्शन करने हैं तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस जो कि हमारा 1/2 वाट 220 ओम के हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। 220 ओम के हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं। तो रेजिस्टेंस हम LED के लिए यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्ट जो 5 वोल्ट है हमारा, डायरेक्ट 5 वोल्ट तो हम LED को नहीं देंगे क्योंकि डायरेक्ट 5 वोल्ट LED को अगर हम देंगे तो LED हमारी क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, काम नहीं करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे 5 mm की हमारी LED है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लगा दिया। रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे LED को लगाएंगे। अभी LED जो ट्रैफिक लाइट रहती है हमारी, ट्रैफिक लाइट में हमारी 3 LED को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा रेड LED जो है ये हमारा स्टॉप का सिग्नल रहता है कि भाई जो ट्रैफिक है उसको रोकने का जो सिग्नल रहेगा वो रेड लाइट हमारा इंडिकेट करता है।
उसके बाद येलो लाइट जो रहती है हमारी, येलो लाइट बताती है कि भाई आप तैयार हो जाओ, ठीक है। मतलब एक तरीके से वार्निंग का ये हमारा सिग्नल रहता है। उसके बाद ग्रीन लाइट जो है हमारी, ग्रीन लाइट को यानी कि ये गो का सिग्नल रहता है कि भाई आप जो ट्रैफिक जो है आप मतलब कि आपका रास्ता ओपन है, आप निकल सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डिनो का किट है, ऑर्डिनो का ये सर्किट है, पीसीबी है। आप इस किट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो यहाँ से उसको खरीद सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या काम करेंगे हम यहाँ से ग्राउंड का जो टर्मिनल है वहाँ पे हम एक जम्पर वायर लगाएंगे और हम अपने ब्रेड बोर्ड में इसको कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे देखिए सर्किट किस तरीके से बना रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप सिंपली इसी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप प्लेन पीसीबी में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप पीसीबी यहाँ से jlcpcb.com से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली आपने क्या काम कर, उसके बाद आपने रेड कलर की जम्पर वायर लेनी है और इसको 10 नंबर जो कनेक्टर है उस पे कनेक्ट करके, और रेड वाली जो हमारी एलईडी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद एक येलो कलर का, आप किसी भी कलर का जम्पर वायर ले सकते हैं, कलर का कोई इश्यू नहीं है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई कौन सी वायर हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके लिए मैंने कलर कोडिंग की जम्पर वायर ले रखी है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, 7 नंबर के कनेक्टर से आपने येलो कलर पे जम्पर वायर को कनेक्ट करना है, और ग्रीन कलर की जो जम्पर वायर है इसको 4 नंबर कनेक्टर से आपने ग्रीन कलर की जो एलईडी है वहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद सिंपली हम क्या काम करेंगे, हम अपना जो केबल है हमारी उसको हम अपने ऑर्डिनो और सिस्टम लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और हम अपना प्रोग्राम डालेंगे। अब देखिए प्रोग्राम डालने के बाद सबसे पहले मैं ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है। ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर से हम क्या काम करेंगे, इसका प्रोग्राम, इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और इसमें हम प्रोग्राम जो है वो अपलोड करेंगे। तो इसका प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे सिस्टम में पेस्ट कर दे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम है प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और सिंपली जो ऊपर जो टैब है यहाँ पे आप अगर कर्सर लेके जाएंगे तो अपलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा आपके प्रोग्राम को ऑर्डिनो में अपलोड करने के लिए। जितना बड़ा आपका प्रोग्राम होगा उसी हिसाब से आपका टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ हमको 3 एलईडी जो है वो इंडिकेट करवानी है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। तो कुछ सेकंड के अंदर देखिए हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है, और जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि हमारी एलईडी जो है वो इंडिकेट कर रही है। अभी देखिए हमारी जो ग्रीन वाली एलईडी है, ग्रीन वाली एलईडी हमारी ऑन हो चुकी है, यानी कि हमारा जो ग्रीन वाली एलईडी ऑन हुई और कुछ सेकंड तक ये ऑन रहेगी। उसके बाद 3 बार हमारा येलो कलर की जो लाइट है वो इंडिकेट करेगी और उसके बाद हमारी लाइट जो है वो रेड हो जाएगी। कुछ देर तक सेम रेड हमारी लाइट हमारी रेड रहेगी और उसके बाद अगेन हमारा ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल जो रहता है वो इसी तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमारा ग्रीन लाइट ऑन रहती है, उसके बाद येलो लाइट जो रहती है वो हमारा इंडिकेट करती है यानी कि तैयार रहने के लिए बोलती है, और उसके बाद हमारी लाइट जो है वो रेड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल को हम ऑर्डिनो की मदद से हमने यहाँ पे बना रखी है। अभी ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो ऑर्डिनो ही उसमें इस्तेमाल किया गया हो सकता है उसमें पीएलसी यूज़ करी गई हो या फिर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया हो, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ऑर्डिनो की मदद से ट्रैफिक सिग्नल बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी मतलब कि एलईडी लाइट लाइट की तरफ अंधेरा करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट ऑन हुई, कुछ सेकंड तक ये ऑन रहेगी, उसके बाद हमारा येलो कलर की जो लाइट है वो 3 टाइम ब्लिंक करेगी, ठीक है, और उसके बाद हमारी रेड ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी टाइमिंग को प्रोग्राम में घटा या बढ़ा भी सकते हैं। घटा प्रोग्राम में आपको एडिट करने के बाद दोबारा से इसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको जो है इसमें इसको अपलोड, और आपका जो टाइमिंग है टाइमिंग कम और ज़्यादा हो जाएगा।
ओके गाइस, तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंडों को भी हेल्प मिल सके। अगर आप ब्रेड बोर्ड और इसके प्रोग्राम के बारे में या फिर ऑर्डिनो के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर आप ऑर्डिनो से रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।